मध्य प्रदेश के रतलाम में कोचिंग सेंटर संचालक का कारनामा, महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर बनाए आपत्तिजनक वीडियो, संचालक गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में प्रेम प्रसंग के चलते बच्ची की हत्या, शादीशुदा युवक से चल रहा था महिला का प्रेम प्रसंग। कन्नौज में अवैध संबंधों के चलते सास की हत्या, बहू पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या का। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का मंत्रिमंडल से इस्तीफा, पार्टी पर करप्शन का आरोप लगाकर छोड़ी पार्टी। संजय सिंह ने कहा, हमारे मंत्रियों और विधायकों को तोड़ने के लिए ईडी और सीबीआई का हो रहा है इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर पलटवार, कहा जेल में आपके कई बड़े नेता, अब खुद को ठगा महसूस कर रही है दिल्ली की जनता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को करेगा सुनवाई, याचिका में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है एनआईए, सबको गिरफ्तार करते करते आपका देश ही सोना हो जाएगा। आज दो राज्यों में पीएम मोदी का धुआंधार चुनावी प्रचार, दोपहर 12 बजे ऋषिकेश और 3:30 बजे राजस्थान के करौली में भरेंगे हुंकार। अमित शाह एमपी के मंडला और कटनी में करेंगे रैली, शाम 5:30 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ के नरसी ग्राउंड में भरेंगे हुंकार। गया में चुनावी मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दी, कहा नहीं बचेगा एक भी भ्रष्टाचार। टीएमसी का बीजेपी पर पलटवार, अजीत पवार का नाम लेते हुए कहा कि एनडीए में शामिल होने वाले हो जाते हैं बेदा, उठने नहीं टेकने वाले जाते हैं। बिहार में सभी 40 सीटों पर अमित शाह की जीत के दावे पर बोले कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह, कहा अमित शाह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आज राजस्थान के रण में उतरेंगे राहुल गांधी, दोपहर 1 बजे बीकानेर के अनुपगढ़ में करेंगे जनसभा, दोपहर में जोधपुर के फलौदी में लोगों को करेंगे संबोधन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश में भरेंगे हुंकार, दोपहर 12:30 बजे रीवा और दोपहर 2:30 बजे सतना में जनसभा को करेंगे संबोधन। यूपी के संभल में राजनाथ सिंह का विरोधियों पर हमला, समाजवादी पार्टी को बताया समाप्तवादी पार्टी और कांग्रेस के हाथ को बताया झूलता बनकर। आज महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरेंगी बीएसपी प्रमुख मायावती, नागपुर में जनसभा को करेंगी संबोधन, इस बार बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का लिया फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बीएसपी को बड़ा झटका, सांसद मलूक नागर ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा राजनीति संभावना का खेल, मजबूरी में छोड़ी बीएसपी, आरएलडी में होंगे शामिल। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आज यूपी के गौतम बुद्ध नगर और मथुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित, एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जयंत। मैनपुरी के मैदान में उतरे योगी के मंत्री, बीजेपी ने जयवीर सिंह को बनाया उम्मीदवार, मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव से होगा मुकाबला। गाजीपुर में बीजेपी ने घोषित किया प्रत्याशी अफजाल अंसारी के खिलाफ, पारसनाथ राय को बनाया गया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी और संगठन को मजबूत करने में जुटी सांसद स्मृति ईरानी, यादव समाज के सैकड़ों लोगों को पार्टी में कराया शामिल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के दावे से झारखंड की सियासत में उबाल, निशिकांत ने सोशल मीडिया पर लिखा चंपई सोरेन को कल्पना सोरेन के लिए सीएम पद छोड़ने का मिला फरमान। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा के साथ किया रोड शो, कांग्रेस को देश के लिए बताया कोरोना जैसी बीमारी। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लॉन्च किया मैनिफेस्टो। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संभाली प्रचार की कमान, हेलीकॉप्टर से महाकौशल और विंध्य इलाके में पहुंचे। कमलनाथ की गढ़ में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया प्रचार, छिंदवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू के लिए जनता से मांगे वोट। जालौर सीट पर जीत के लिए वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी ने किया इमोशनल प्रचार, कहा वैभव गहलोत चुनाव हार गए तो पूरे समाज की होगी बेइज्जती। हैदराबाद में बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने कहा बीजेपी को जिताकर एआईएमआईएम और कांग्रेस दोनों को देना है जवाब, ओवैसी के खिलाफ मैदान में है माधवी लता। तेजस्वी ने ट्वीट किया हेलीकॉप्टर में संतरा पार्टी का वीडियो, बीजेपी पर कसा तंज, कहा संतरे के रंग से तो नहीं चढ़ेंगे। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, लोकतंत्र हमारा आधार, भारत में सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं खुशी से। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क इसी महीने आएंगे भारत, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, टेस्ला की निवेश योजनाओं की कर सकते हैं घोषणा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया, एक को सुरक्षा बलों ने घेरा।
हरियाणा के करनाल में मंडी पहुंचने वाले किसान परेशान हैं, गेहूं की फसल की खरीदारी नहीं हुई शुरू। सैनिक स्कूलों के निजीकरण की खबर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी चिट्ठी। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद, एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद पर अदा की गई ईद की नमाज, बड़ी तादाद में लोग हुए शामिल।